हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में टॉपिक रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। क्या था रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी? जिसकी वजह से पोलैरिटी जो है, जो होनी चाहिए थी, उसकी क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, रिवर्सिबल हो जाए। ठीक है, उसके अंदर हमने दो एग्जांपल्स तो हम देख चुके थे। एल्काइन का देख लिया था हमने, और अल्फा हेलो एसिड कार्बोनल कंपाउंड्स वाला देख लिया था। ठीक है, कार्बोनल कंपाउंड्स के अल्फा पोजिशन पे अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो किस वजह से आया, आना तो चाहिए था नेगेटिव, पर आता है पॉजिटिव, तो वो हमने कहा था किस वजह से वहाँ पे हेलोजन लगी हुई थी। ठीक है, अल्फा हेलो एस्टर्स होते हैं या अल्फा हेलो कार्बोनल कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं, वो किस काम में आते हैं, एज अ रिवर्सल एजेंट काम में आते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से फिर हमने देखा एल्काइन को भी देखा मैंने, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक और, 1,3-डायथाइन्स। 1,3-डायथाइन्स होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, 1,3-डायथाइन्स किसको बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोला इसका नाम, 1,2,3, तो 1,3-डायथाइन्स ये इसका नाम है। क्या होता है इसके अंदर, ये कंपाउंड किस तरीके से काम करता है कि रिवर्स हो जाती है पोलैरिटी। बेस हम इसके अंदर लेंगे, ठीक है, बेस कोई भी हम ले सकते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग। अब क्या करेगा ये बेस, वहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। अब इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है कहाँ, वो आपको पहचाननी आनी चाहिए। कौन सी हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे, इसको एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे। क्यों ये एसिडिक है भाई? क्योंकि जब ये यहाँ से एच निकलेगा, ये इसको लेके निकाल लेगा बाहर, तो क्या होगा, यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज जो है ये इन दोनों सल्फर की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। क्योंकि कंपैरेटिवली कार्बन के सल्फर की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये एसिडिक प्रोटोन है, ये स्टेबलाइज हो जाएगा इन सल्फर एटम की वजह से। ठीक है ना, क्या ये आर इसको स्टेबलाइज करेगा? नहीं, आर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करते। ठीक है, तो ये नहीं करेगा, केवल कौन करेंगे, ये दोनों इसको क्या करेंगे, इस पर से इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ तरीके से खींचेंगे, तो इसकी जो है स्टेबिलिटी वो बढ़ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, ये प्रोटोन कैसा था, एसिडिक प्रोटोन था। क्या कहेंगे हम इसको, ये क्या है, एसिडिक प्रोटोन है। ठीक है, क्यों है भाई ये एसिडिक प्रोटोन, क्योंकि जब इसको किसी बेस के साथ में हम डालते हैं तो बेस इसमें से एच प्लस को ये आराम से दे देता है, उसके बाद में जो निगेटिव चार्ज आता है वो स्टेबलाइज होता है इन दोनों सल्फर एटम से। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, जब हम इसका अटैक करवाते हैं कार्बोन आयन्स के ऊपर, जब हम इसके ऊपर अटैक करवाते हैं कार्बोन आयन्स के ऊपर, तो किस तरीके से होता है इस पे देखिए, ये यहां से यहां इसके ऊपर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये अब है नेगेटिव चार्ज, ओके, ये करेगा यहाँ पे अटैक, आई बात समझ में। अब ये इसके ऊपर यहाँ अटैक करता है तो ये बन जाता है इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया था तो नेगेटिव पे हमने लगा दिया एच, बाकी ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये यहाँ से इस तरीके से जुड़ गया, बाकी के आर तो ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों आर है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से ये इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस कहाँ से होगा, ये दोनों जगह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे जब एक ही कार्बन पे से दो बॉन्ड टूटेंगे, एक तरीके से यहाँ पे हो क्या रहा है, 1,1-डायक्स की तरह हो रहा है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोनाइल बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच के देखिए, अगर ये कार्बोनाइल जैसा है, अगर मैं चाहती इस ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करे और किसी दूसरे कार्बोनाइल के ऊपर अटैक करे, तो क्या ये पॉसिबल होता? ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कार्बोनाइल पे क्या होता है, इस ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव पे क्यों अटैक करता, नहीं करता ना, तो इसलिए ये 1,3-डायथायन क्या काम में आया, इसने इस कार्बन को कैसा कर दिया, एज ए न्यूक्लियोफिलिक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल की तरह इसने बिहेव किया, जबकि ये होता पॉजिटिव है, तो इस वजह से हमने इस एग्जाम्पल को किस कैटेगरी में डाला है, 1,3-डायथायन कैटेगरी। क्या है ये, क्या करता है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी को चेंज कर देता है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की नॉर्मली पोलैरिटी होती है पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन, जिसकी क्योंकि ऑक्सीजन इसके पास में है। ठीक है ना, लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे, ये इस तरीके से होने की वजह से इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसने इसके ऊपर अटैक करा। अगर ये नहीं होता तो नॉर्मल कार्बोनाइल कंपाउंड होता, और कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक नहीं करता। ठीक है, और ये इसीलिए फिर हमने इसको हाइड्रोलिसिस करके हटा दिया यहाँ से। ठीक है, जो काम था वो काम हो गया, और फिर उसको हटा दिया। ठीक है, तो हमने जो लिया था वो क्या लिया था, रिएजेंट हमने ये लिया था,
ये कैसा कार्बन था जिस दोनों सल्फर से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक आर और एक एच, ठीक है, ये कंपलसरी है, तभी तो ये एच निकलेगा, है ना। फिर जब ये एच निकल जाएगा और हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो ये तो निकल जाएगा, तो जब ये बनेगा तो देख सकते हैं आप लोग ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये इसी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये है सिंथॉन, और इस सिंथॉन का तो आपको चाहिए कि भाई इस तरीके का कोई रिएजेंट बनाना है, जब हम डिसकनेक्शन करते हैं हमारे सामने इस तरीके का सिंथॉन बना कि कार्बोनिल जो कार्बन है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिवली चार्ज, अब इसका कुछ तो आपको रिएजेंट बनाना पड़ेगा, तो आप क्या बना दो उसको, ये बना दो 1,3-डायथाइन। आया बस समझ, हमारा क्या एप्लीकेशन है इसकी, जब हम डिसकनेक्शन करेंगे तो ये इस तरीके का होगा जिसमें हम पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं, आपको जब ऐसी कुछ मिले कि जिसमें पोलैरिटी चेंज हो रही है, आप इसको डिसकनेक्ट करके देखो इस कंपाउंड को, तो आपको क्या डिसकनेक्शन कहाँ से होगा, इसका यहाँ से डिसकनेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है इसे 1,2-डायक्स है ये, तो जब ये कार्बोनल के आगे से ये डिसकनेक्शन होगा तो ये जब बनेगा इसमें नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव लगा दो और इस पे नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो 1,3-डायथाइन के अंदर, ठीक है। अब इसका सिंथेसिस देख लेते हैं कि ये जो कंपाउंड है 1,3-डायथाइन, ये बनता कैसे है, हमने लिया एल्डिहाइड, ठीक है, अब इस एल्डिहाइड के साथ में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, क्या है ये 1,2,3,4,5, 1,5-डायथायोल, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये बाहर निकल जाते हैं, तो दोनों के दोनों ये सल्फर जो है कहाँ जुड़ जाते हैं, इस कार्बन से जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये बन गया 1,3-डायथायन। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से अपना ये बनता है, और फिर अपना आगे अपन इसको काम में ले लेते हैं एज अ रिवर्सिंग ऑफ पोलैरिटी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके कंप्लीट ये टॉपिक, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना साइक्लाइजेशन रिएक्शंस। साइक्लाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब रिएक्शन होती है तो उस दौरान क्या बनता है, साइकिल बनता है, ठीक है। अब बात ये है कि भाई साइकिल बनता है इसका क्या मतलब है, क्या दो मॉइटीज अलग अलग जुड़ती हैं तब साइकिल बनता है, या फिर एक ही मॉइटी के अंदर रिएक्शन होती है तो साइकिल बनता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, साइक्लाइजेशन रिएक्शंस जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर, और जो कुछ फैक्टर्स हैं उन्हीं को हम स्टडी करने वाले हैं, वो तीन फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट तो इसमें फैक्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन। इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन का क्या मतलब होता है, इंट्रा मॉलिकुलर का मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिकुलर। और अगर दो मॉइटीज ए बी दोनों मिलकर या ए ए मिलकर आपस में मिलके जुड़ जाए तो वो होती है इंटर मॉलिकुलर, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है अच्छे से। तो जो प्रोबेबिलिटी है इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन होने की, उसी की वजह से क्या बनता है, साइकिल बनता है, ठीक है, साइक्लाइजेशन होता है। तो इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन होने की क्या पॉसिबिलिटी है, वो कैसे पता चलता है, ठीक है ना, वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो अपन डिटेल में और विद एग्जाम्पल्स इसको अभी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड फैक्टर है इसका स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एंड थर्ड इफेक्ट है स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम एग्जांपल्स के साथ में इसको अच्छे से डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। देखिए प्रोबेबिलिटी जो है इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन की, आप एक नॉर्मल सी बात बताइए, किसी के अंदर अगर ये दोनों इस तरीके से जुड़ रहे हैं और ये एक बन रहा है, पहले तो ये वन वन मतलब टोटल कितने हो गए, ये टू मॉलिक्यूल्स जुड़े और कितना बना, वन, ठीक है, और एक है ए जो था, इसी के अंदर साइक्लाइजेशन हुआ और ए से ए ही बना, मतलब बी बन गया ये मान लो, ठीक है, ए से क्या बन गया, बी बन गया, तो मतलब एक मॉलिक्यूल था और एक से एक ही बना। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जो एंट्रोपी है, किस रिएक्शन के अंदर एंट्रोपी कम हुई, ठीक है, एंट्रोपी का क्या मतलब होता है, जितनी उसके अंदर रैंडमनेस होती है, तो जितने ज्यादा एटम्स होते हैं, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एंट्रोपी होती है, ठीक है। और रिएक्शन होने के बाद में अगर वो नंबर जितनी इसके अंदर रिएक्शन, जैसे 100 मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन करी और 100 ही बन गए, तो मतलब उसकी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हुआ,
ठीक है। अब मान लो कि 100 ने रिएक्शन करी और 50 मॉलिक्यूल बन गए, मतलब एंट्रोपी कम हो गई उसकी, ठीक है, रैंडमनेस कम हो गई। तो एंट्रोपी कभी भी, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है कि एंट्रोपी हमेशा रिएक्शन की बढ़ती है, अगर एंट्रोपी बढ़ती है या उतनी ही रहती है तो रिएक्शन को वो प्रिफर करता है, मतलब एंट्रोपी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, उनमें कोलिजन होता है और रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि एंट्रोपी टक्कर होगी तो क्या होगा, कोलिजन्स होने की वजह से उसके अंदर एनर्जी, वो एनर्जी मिलेगी उनको, ठीक है ना। तो एनर्जी जो होती है अगर हाई होती है तो रिएक्शन ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो एंट्रोपी ज्यादा होने से फायदा होता है रिएक्शन होने में, तो एंट्रोपी ज्यादा होनी चाहिए सिस्टम की, ठीक है। तब तो हम कहते हैं कि सिस्टम में इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि सिस्टम में आराम से रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर कहीं पे एंट्रोपी कम हो जाए, जैसे कि यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है, और एक यहाँ पे सेम है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे कि रिएक्शन के अंदर कोई रिएक्शन इसको प्रिफर करे, ठीक है ना, कि सेम एंट्रोपी रहे, जबकि दो के मिलने से एक हो गई तो मतलब एंट्रोपी कम हो गई, तो सिस्टम इसको प्रिफर ना करके इसको करे। उसके लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होनी चाहिए कि वो अपनी एंट्रोपी को सेम रखने के लिए मतलब फायदेमंद है उसके लिए, तो वो इस तरीके से ये हो, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के मिलने से एंट्रोपी कम हुई तो स्टेबलाइजेशन की तरफ सिस्टम जा रहा है, तो जब कोई सिस्टम स्टेबलाइज होता है, जब सिस्टम स्टेबलाइज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और हर कोई चाहता है स्टेबल होना, तो जब एंट्रोपी कम हो जाएगी तो सिस्टम की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, तो ये चाहेगा कि भाई मैं इस तरफ जाऊं। अब एक तरफ तो एंट्रोपी कम होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है और एक तरफ एंट्रोपी सेम होने से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो भाई कोई इस तरीके से इस पाथ को क्यों फॉलो करेगा। ये है इंटरमॉलिक्यूलर, ये है इंट्रामॉलिक्यूलर। एक तरफ एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिस्टम स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है, एंट्रोपी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एंट्रोपी सेम है, ठीक है। स्टेबिलिटी पे कोई क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, कि स्टेबिलिटी पे ऐसा क्या फर्क पड़ेगा जिसकी वजह से कोई इंट्रा मॉलिक्यूलर को प्रिफर करे। तो यही मैंने टॉपिक लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या ऐसी संभावनाएं होगी कि जिस वजह से कोई भी रिएक्शन इंट्रा मॉलिक्यूलर हो ना कि इंटर मॉलिक्यूलर, जबकि इंटर मॉलिक्यूलर की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इससे भी ज्यादा कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो इसको स्टेबल करे, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करे। तो स्टेबलाइजेशन इंट्रा मॉलिकुलर तभी होगी जब इसकी वजह से सिस्टम एक्स्ट्रा स्टेबल हो जो इससे भी ना हो रहा हो, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो ऐसा नहीं होता है, फिर ऐसी स्पेसिफिक कुछ प्रोबेबिलिटीज होती है, ऐसी संभावनाएं होती है जब सिस्टम किसको प्रिफर करता है, इंट्रा मॉलिकुलर को प्रिफर करता है, ठीक है ना। तो वो अभी मैं एग्जाम्पल्स के साथ में आपको समझाऊंगी। ओके, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री इस तरीके की होनी चाहिए कि वो स्टीरियो केमिस्ट्री उसमें इस तरीके की हो कि उसमें क्या हो, इंट्रा मॉलिक्यूलर हो, ठीक है। रिंग स्ट्रेन का भी आपको पता है, छोटी रिंग्स के अंदर क्या होता है, हाईली स्ट्रेन होती है, बड़ी रिंग्स के अंदर स्ट्रेन नहीं होता है, तो छोटी रिंग्स बनने की पॉसिबिलिटी कम होती है कंपैरेटिवली बड़ी रिंग के, ठीक है ना। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है कि अगर छोटी रिंग बन रही होगी तो सिस्टम छोटी रिंग बनना पसंद नहीं करता, इससे अच्छा वो किसको प्रेफर करेगा, इंटर मॉलिकुलर को, फिर इंट्रा मॉलिकुलर नहीं होगी। तो इसको फिर से डिटेल में देखती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ में। सबसे पहले टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं कि आप एक तो ध्यान रखिएगा, जब 5-6 मेंबर बनने की पॉसिबिलिटी होती है, 5 या 6 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो सिस्टम हमेशा किसको प्रेफर करता है, इंट्रा मॉलिकुलर को, ठीक है ना। लेकिन अगर 3 या 4 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी होती है तो सिस्टम इंट्रा मॉलिकुलर की बजाय इंटर मॉलिकुलर को प्रेफरेंस देता है। कारण क्या है देखते हैं। देखो इंट्रा मॉलिकुलर होगा अगर, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड था इसके अंदर साइक्लाइजेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, H2 बाहर निकल गया और ये बन गया, ठीक है। अब 5 मेंबर रिंग बनी है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे तो 6 है लेकिन कार्बन इसके अंदर 5 है, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये कंपाउंड बन गया। अब क्या होता है, ये इसको प्रेफरेंस देता है, जबकि यहाँ पे जब ये ओपन सिस्टम है, इस ओपन सिस्टम के अंदर जब इस तरीके से कंडेंसेशन होगा तो ये कंपैरेटिवली इसके अंदर ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसको ये प्रेफरेंस नहीं देगा, ठीक है ना। इसके अंदर एंट्रोपी तो सेम रही लेकिन स्टेबलाइजेशन जो है रिंग का, 6 मेंबर रिंग है इसके अंदर, 5 मत लिखो यहाँ पे, क्या लिखो, 6 मेंबर रिंग, हाँ
हम टोटल एटम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। सिक्स मेंबर रिंग अगर बनती है तो ये इसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा, ना कि ओपन चेन को, क्योंकि चेन इतनी लंबी है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। एंट्रोपी जो इसके अंदर कम हो रही थी वो भी इसको इतना स्टेबलाइजेशन नहीं देती, जब बजाय इसके रिंग बनने की वजह से इसमें स्टेबलाइजेशन आएगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ये सिस्टम बनेगा उसमें एंथैल्पी, ये कैसे समझोगे आप, एक है कि इसकी एंट्रोपी कम होने की वजह से जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी एंट्रोपी की वजह से उतनी स्टेबलाइजेशन इसमें नहीं हुआ जितना इसके रिएक्शन होने में जो एंथैल्पी रिलीज हुई, जो एनर्जी रिलीज हुई जिसकी वजह से ये सिस्टम स्टेबल हुआ, वो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई तो ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि इंट्रा मॉलिकुलर को प्रेफरेंस मिलती है कब, जब 5 या 6 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी होती है तब, ठीक है। तो इंट्रा मॉलिकुलर को प्रेफरेंस होती है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, अगर मैं इसके अंदर इंट्रा मॉलिकुलर कर देती हूँ, मैंने इंट्रा मॉलिकुलर कर दी, कंडेंसेशन रिएक्शन कर दी, तो क्या हुआ इसके अंदर, मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखे, आप लोग लिख लेना, ये अगर इस तरीके का कंपाउंड बन गया तो ये कितने कार्बन का हो गया, 1 2 3 4, मतलब रिंग के अंदर कितने एटम है, 4। तो 4 मेंबर रिंग जो होती है इसके अंदर हाईली स्ट्रेन होता है, अगर 3 मेंबर रिंग बने तो उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है। तो कोई भी सिस्टम एंगल स्ट्रेन के अंदर रहना पसंद नहीं करेगा, वो क्या चाहेगा, फिर आराम से खुला रहना, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन नहीं था इसलिए आराम से रिंग बन गई और स्टेबल थी, पर यहाँ पे तो इस रिंग को बनने के लिए इसको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, तो ये फिर क्यों करेगा इतनी मशक्कत, ये आराम से इस तरीके से इंटरमोलिकुलर होगी और ये इसको प्रेफरेंस देगा, ये वाली रिएक्शन फेवर करेगा, ठीक है ना, ये फेवर नहीं होगी, ओके। ये एग्जाम्पल समझ में आ गए, तो किस तरीके से डिसाइड हुआ ये डिसाइड हुआ एंगल स्ट्रेन और एंट्रोपी इसको डिसाइड करती है कि सिस्टम किस तरफ जाएगा। यहाँ पे तो इंट्रा मॉलिकुलर होने की वजह से एंट्रोपी जो फैक्टर था वो तो सेम है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, एंगल स्ट्रेन आ रहा है, तो एंगल स्ट्रेन की वजह से ये सिस्टम इसको फेवर नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर ये क्या किसको फेवर करेगा, इसमें भले एंट्रोपी जो है वो कम हो रही है जिसकी वजह से सिस्टम में ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। तो अपन को क्या सामने आए, दो फैक्टर एंट्रोपी और एंगल स्ट्रेन, ये दो हैं जो डिसाइड करते हैं कि सिस्टम के अंदर इंट्रा मॉलिकुलर होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखिए आपके सामने नेक्स्ट है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है, ऑर्बिटल्स जो है किस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर है, स्टीरियो कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आपने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ये सब तो फिर भी आप बाद में पढ़ोगे, सबसे पहले आप पढ़ते हो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है तो आपको पता है कि ऑर्बिटल्स किस तरीके से होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए, दोनों के दोनों पैरेलल होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए, तभी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बात आपको अच्छे से पता है। अगर मान लो एक ऑर्बिटल इधर है और एक ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, तो क्या इसमें और इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आपने नहीं पढ़ा इस तरीके का। प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर हो, प्रॉपर उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हो, दोनों पैरेलल एक दूसरे के सामने होंगे तभी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर दोनों एक दूसरे के सामने नहीं होंगे तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है कि जब इस तरीके से साइक्लाइजेशन होता है यहाँ पे, तो किस तरीके का ओरिएंटेशन होना चाहिए, एंड ऑन ओरिएंटेशन होना चाहिए। एंड ऑन का क्या मतलब होता है, एंड ऑन अलाइनमेंट होना चाहिए, अलाइनमेंट ऑफ ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब ये है कि जो कोई अटैक करने वाला है, देखो मानो इस आयोडीन ने इस कार्बन के साथ में जो बॉन्ड बनाया हुआ है वो ये वाला बॉन्ड है, ये दोनों ने ये ऑर्बिटल, एक इसका ये लोब ये रही, एक लोब इसकी यहाँ पर होगी, ठीक है ना। तो ये जो लोब होगी इसकी दूसरे वाली साइड की, एंड दूसरी साइड की जो लोब होगी, देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसकी एक लोब ये रही, एक लोब ये, ठीक है ना, जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना वहां पे एक लोब ये है इसकी, जस्ट जिसके साथ में इसने बॉन्ड बना रखा है। आप लोगों को पता है जब बॉन्ड बनाता है, जैसे कि आप पता होगा आपको, जैसे बॉन्ड बनाया इसके साथ, तो ये जो एक ऑर्बिटल है इसकी छोटी सी यहाँ पे आती है पीछे की तरफ, और इसका इसके साथ में जो बना हुआ है उसकी छोटी सी पीछे की तरफ आती है, इसी तरीके से बनते हैं ना ऑर्बिटल्स। तो जो इसके साथ ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, आई यहाँ पे जो मैं बताना चाह रही हूँ इसको छोटा सा बनाती हूँ मैं, इसका पीछे की साइड में एंड ऑन साइड जो है ना, इसको हमने एंड जो पीछे का साइड है उसको बोला है।
अब इसके जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे पीछे की साइड से। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है ना बिल्कुल पीछे की तरफ होना चाहिए, मतलब जिसके साथ में इसने बॉन्ड बनाया हुआ उसका पीछे का ऑर्बिटल जो है, उसकी पीछे वाली साइड जो है, उसका पिछला सिरा जो है वो बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए कि पीछे से आराम से कोई आके अटैक कर सके, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सके। तो ये वाला जो ट्रांस है दोनों एक दूसरे के, एक्सेल एक्सेल जो है आपको मैंने सिखाया था, ये ट्रांस पोजिशन है। जब ऐसी ट्रांस पोजिशन होगी एंड ऑन अलाइनमेंट होगा तभी ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ से इसमें दे सकता है और ये बाहर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, मतलब इसके निकलने में ये हेल्प कर रहा है। आपको ध्यान हो तो हमने एनजीबी पढ़ा था, उसके अंदर ऐसा एग्जाम्पल था। ठीक है, मतलब ये इसको हेल्प कर रहा है बाहर निकलने में। ठीक है, जब कोई और न्यूक्लियर फाइल आएगा तो ये फिर से आ जाएगा और यहाँ से कोई आके अटैक कर लेगा। ठीक है ना, तो जो ये पेप्साइड रिंग बन रही है कब बनेगी, जब इस तरीके का अलाइनमेंट होगा एंड ऑन, मतलब ये पीछे की साइड से ये आराम से इस पर अटैक कर सके, इस तरीके का जब स्टीरियो केमिस्ट्री होगी तभी ये इपॉक्साइड रिंग बनेगी, अदरवाइज रिंग नहीं बनेगी। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन है इसने यहाँ बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ, तो जो इसका पिछला सिरा है वो कहाँ है, पीछे की तरफ है। अब ये यहाँ से यहाँ कैसे अटैक करेगा, ये तो भाई दूसरी तरफ है तो ये तो इस पर अटैक नहीं कर सकता इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन तो सीधे सीधे रास्ते पे जा सकते हैं, ऐसे उलझे हुए रास्ते पे नहीं जा सकते। तो इस तरीके की स्टीरियो केमिस्ट्री प्रिफर नहीं करती इपॉक्साइड रिंग का बनना, बट ये प्रिफर करती है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में होना चाहिए, तभी इस तरीके के पॉसिबिलिटी होगी रिंग बनेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके का अरेंजमेंट होगा तभी इसमें पॉसिबल होगा रिंग बनना, अदरवाइज रिंग नहीं बनेगी। मतलब इंट्रा मॉलिकुलर तभी पॉसिबल होगी, इस केस के अंदर इंट्रा मॉलिकुलर पॉसिबल नहीं होगी। आ गया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर, एग्जाम्पल नहीं बेयर स्ट्रेन जो थर्ड इफेक्ट है, जिसके ऊपर फैक्टर पे डिपेंड करता है कि साइक्लिजेशन होगा या नहीं होगा, वो है आपका रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन का सीधी सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेन किसके अंदर होता है, 3-4 मेंबर रिंग के अंदर। ठीक है, फिर उससे कम होता है किसके अंदर, अपन माने कि 7, 8, 9 वाली रिंग के अंदर, और फिर उससे भी कम स्ट्रेन होता है 5, 6 के अंदर, और इससे ज्यादा 10 से, मतलब कितनी भी हो सकती है कार्बन का नंबर, सब वो स्टेबल ही होगा। ठीक है, बट ये वाले नंबर जो होते हैं इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा अगर ये बन रही है तो 100% क्या होगी, इंटरमोलिक्यूलर। लेकिन अगर 5-6 मेंबर रिंग बन रही है तो क्या होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये किसको प्रिफर करेगी, इंट्रा को, और ये किसको प्रिफर करेगी, इंटर को। ठीक है, तो साइक्लाइजेशन कब होता है, जब 5-6 मेंबर रिंग बन रही हो, इस तरीके का ओरिएंटेशन हो। थर्ड क्या था, एंट्रोपी फैक्टर था। ठीक है, जो भी हमने फर्स्ट के अंदर पढ़ लिया था। तो इस तरीके से साइक्लाइजेशन के मैंने एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। अब हम कुछ और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरीके से साइक्लाइजेशन को प्रेफरेंस मिलती है, क्या होता है। कई बार साइक्लाइजेशन ये हम क्यों पढ़ रहे हैं डिसकनेक्शन के अंदर, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कई बार जब हम डिसकनेक्शन करते हैं तो डिसकनेक्शन करने से हमें, अगर उसमें रिवर्स रिएक्शन तो हमारे माइंड में चलती है कि जब हम इसका रिवर्स आएंगे वापस इसका सिंथेसिस करेंगे तो क्या सिंथेसिस पॉसिबल हो पाएगा उस कंपाउंड का जिसको हमने डिसकनेक्ट करके निकाला है जिनको। तो इस तरीके से हमको सोचने में इजी रहता है कि अगर साइक्लाइजेशन रिएक्शन पॉसिबल हो तो हम इस तरीके से डिसकनेक्ट करते हैं कि इसमें साइक्लाइजेशन पॉसिबल हो पाए। ठीक है ना, प्रेफरेंस दी जाती है अगर साइक्लाइजेशन हो, क्योंकि उससे इजी रहते हैं कंपाउंड का सिंथेसाइज करना। ठीक है, देखते हैं। देखिए कॉमन साइक्लाइजेशन रिएक्शंस जो आपको याद होनी चाहिए कि किस किस रिएक्शन के अंदर साइक्लाइजेशन होता है। वैसे तो ये जो नेम रिएक्शन है ये अपन लोग 5th यूनिट जो है आपके रीअरेंजमेंट उसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन बस मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म कुछ नहीं की, केवल साइक्लाइजेशन होता है इनके अंदर। डिकमान कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, इस तरीके से ये डायस्टर है, 1, 2, 3, 4, 5 डायस्टर जब हम लेते हैं और बेस की प्रेजेंस में, तो इस तरीके से 5 मेंबर रिंग का कंपाउंड बनता है, कंडेंस्ड कंपाउंड। ठीक है, मतलब ये रिएक्शंस तो फिक्स है, बस आपको मैं बता रही हूँ कि इन रिएक्शंस के अंदर साइक्लाइजेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा एसाइलिन कंडेंसेशन है उसके अंदर, इसमें भी डायस्टर है, सोडियम ज़ाइलीन लेते हैं, इसमें फ्री रेडिकल एनायन की हेल्प से रिएक्शन होती है और इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड बनता है। एक डी सेल्डर रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन है जिनके अंदर
मतलब साइक्लाइजेशन होता है। तो आपके सामने रिएजेंट हो और इस तरीके से डायस्टर्स बन रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या बनाना है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, ठीक है ना। इसलिए बता रही हूँ रिएक्शंस। डी ज्यादा रिएक्शन इस तरीके से कॉन्जुगेटेड 1,4-diene अगर आपके सामने हो, 1,4-diene नहीं है, 1,3-diene, सॉरी 1,3-diene, 1,2,3, 1,3-diene अगर आपके सामने हो तो, और डबल बॉन्ड कोई कंपाउंड हो जिसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और है रॉबिन्सन, वो भी देखो। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है रॉबिन्सन एन्युलेशन, ये भी अपन पढ़ेंगे 15 मिनट के अंदर। ये जो रिएक्शंस बता रही हूँ तो थोड़ा ध्यान रखिएगा जब हम 5th में पढ़ेंगे कि हाँ ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं, बात बाकी चीज है, ठीक है, वहाँ मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या होता है रॉबिन्सन के अंदर, माइकल एडिशन जाना पहचाना है। माइकल एडिशन जहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, जब हम लोगों ने 1,2-diax पढ़ा था तो हमने कहा था कि कार्बन कंपाउंड के अगर अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अल्फा नहीं सॉरी बीटा पोजीशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम क्या बनाते हैं उसके अंदर, माइकल एडिशन से होता है वो, ठीक है ना। तो माइकल एडिशन उसके बाद में होता है एल्डोल कंडेंसेशन। देखो ये इससे पहचानने में आ रहा होगा आप लोगों को, क्या होगा यहाँ पे, बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से एसिडिक प्रोटोन कौन सा है, ये एसिडिक प्रोटोन है, इसको निकाल लेगा, फिर ये निगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर से वापस आएंगे तो एच यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कंपाउंड, फिर से बेस लेंगे हम, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से एनायन बनाएगा इसको, और फिर ये एनायन अटैक करेगा यहाँ पे, यहाँ होगी एल्डोल कंडेंसेशन और ये कंपाउंड बनेगा, फिर यहाँ क्या होगा, इसमें से ये एच, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, होने को तो एच यहाँ पे भी होगा लेकिन ये कॉन्जुगेशन को प्रिफरेंस देगा, इसलिए कॉन्जुगेटेड इस तरीके से ये बन जाएगा। तो कुल मिला के जो बात है वो रॉबिन्सन एन्युलेशन कहते हैं, जब इस तरीके से माइकल और फिर एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ठीक है। हुआ क्या है, वापस से देख लो, बेस था, बेस क्या काम करता है, एसिडिक प्रोटोन निकालता है, ये निकाल लिया, इसने अटैक किया यहाँ पे, जब इस तरीके से आपके सामने कोई कंपाउंड आए तो पहले माइकल एडिशन फिर एल्डोल कंडेंसेशन, दो कार्बोनिल कंपाउंड से एक ने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया और एक के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, ठीक है, फिर इस तरीके से ये अपना साइक्लाइजेशन हो गया। तो ये चार रिएक्शंस अपन ने देखी, डिकमान, एसाइलेन और डिल्सेल्डर और रोबिन्सन, जिसके अंदर साइक्लाइजेशन होता है। तो ये आपको रिएक्शंस याद रहेंगी तो आपको हेल्प रहेगी डिसकनेक्शन के अंदर। वैसे तो एग्जांपल्स वही आते हैं जो सिंपल है, बाकी टॉपिक से अगर आएगा तो आपको इस तरीके से पूरा बताना पड़ेगा। पहले तो प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ेगी इंट्रा मॉलिक्यूलर के लिए, फिर एग्जाम्पल्स बताने होंगे, और फिर एक डिसकनेक्शन का भी एग्जाम्पल देना होगा। तो डिसकनेक्शन का एग्जाम्पल लिख देती हूँ। देखिए इसके अंदर डिसकनेक्शन, आपके सामने ये एक कंपाउंड है, अभी हमें इसमें डिसकनेक्शन करना है। तो आपके सामने एक तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, एक आपके सामने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है। मैंने आपको बताया है कि मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा हम वहां से डिस्कनेक्ट करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की, इससे ज्यादा विड्रॉइंग ये है, तो हम यहाँ से बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया CO, ठीक है। जब ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे क्या लगा दोगे, एच, और पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगा दोगे, इलेक्ट्रो मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो हमने यहाँ लगा दिया OH, ठीक है। अब 1,2-diax देखो, 1,2, 1,2 का दो मतलब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, तो दो है ऐसे इसके अंदर, तो कहाँ कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक तो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। जब यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो ये एक बनेगा, ये एक बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसको हम कहाँ से, हमने 1,2 को तोड़ना होता है ना, तो हम यहाँ से नहीं तोड़ के इसको क्या करते हैं, इस तरीके से एक तरफ से तोड़ते हैं, पहले एक फंक्शनल ग्रुप को हम हटाएंगे। जब हम इसको हटाएंगे तो देखो कैसा बनेगा, ये पॉजिटिव, ये OH, ये पॉजिटिव, ये OH। आपको पता है जब इस तरीके से आता है ऑक्सीजन के इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ये रिंग बनाते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, H को ये बाहर निकाल देता है, ठीक है। कुछ ध्यान आ रहा है, अपन ने 1,2-diax करा था तो ये दो बन गए, और नाइट्रोजन के ऊपर, एक ही के ऊपर जब इस तरीके से क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्या आएगा, दो नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे दो क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे एक R है, ठीक है। तो ये इस तरीके से RNH2 बन गया, ये अपना डिसकनेक्शन हो गया। उसके अलावा सिंथेसिस क्या है, बाकी इन सबको मिला दो, ये बनेगा ये वाला कंपाउंड, क्या होगा इसके अंदर, इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ लेगा, एक बार ये अटैक यहाँ पे करेगा, ठीक
ठीक है, जब यहाँ जुड़ जाएगा फिर से वापस से अटैक करेगा यहाँ पे, एच को बाहर निकाल देगा और इस तरीके से ये अपना कंपाउंड बन गया एच प्लस। जैसे एसिडिक मीडियम आएगा वाटर यहाँ से निकल जाएगा और टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस तो कुछ भी नई नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही हो रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और इस तरीके से कंडेंसेशन हो रहा है और अपना टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये हो गया एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है।